हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं फ्राइड मोमो बनाने जा रहे हैं। तो फ्राइड मोमो का जो इंग्रेडिएंट्स है, जो भी फिलिंग्स है वो हमने जो आई बटन है जो ऊपर में आप देख रहे हैं उसमें आप क्लिक कीजिए तो आपको अब पता चलेगा कि हमने मोमो में कौन सी फिलिंग्स डाले हैं और क्या क्या चीज़ उसमें डाले हैं। तो मोमो का फिलिंग्स रेडी है यहाँ पर, तो आए हम इसे बेलेंगे। अभी छोटे छोटे मोमो के लिए जो आटा है, जो मैदा है, उसे गोल करेंगे। हमें बड़ा नहीं करना है बल्कि छोटे छोटे करना है। जो फ्राइड मोमो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरह से हम एक चम्मच जो फिलिंग्स है इसका, मोमो का जो फिलिंग्स है चिकन का, उसे लेंगे और उसे इस तरह का डिजाइन बनाएंगे। तो हम इतने छोटे छोटे मोमो, चिकन मोमो बनाएंगे। फ्राइड चिकन मोमो बनाने के लिए अभी हम इसे स्टीम करेंगे और स्टीम होने तक 20 मिनट तक इसे हम रखेंगे जब ये अच्छी तरह से पक जाए, और इसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तो जो मोमो है 20 मिनट के बाद वो पक चुका है, आइए हम इसे भी निकालते हैं। तो मैं एक चम्मच की मदद से इसे निकाल रही हूँ। और इसे निकाल के मैं थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रखूंगी 10 मिनट तक। तो ठंडे होने के बाद मैं कढ़ाई को गर्म करूंगी और कढ़ाई में तेल डाल दूंगी। और इसमें जो ठंडा हुआ मोमो है उसमें फ्राई होने के लिए रख दूंगी। इसमें एक तरफ से जब तक फ्राई कर, जब तक दूसरी तरफ से लाल ना हो जाए तब तक मैं इसे फ्राई करूंगी। जब ये लाल हो जाए तो मैं इसे दूसरी तरफ कर दूंगी कि वो दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। मोमो जो है वो दूसरी तरफ भी फ्राई हो चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए इसे हिला दूंगी और उसे निकाल दूंगी। और जितने अभी बचे हुए मोमो हैं उसे भी मैं बना लूंगी।
और उसे भी मैं जिस तरह से मैंने पहले वाले मोमो को फ्राई किया है वैसे ही फ्राई करके इसे निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छी तरह से मोमो को फ्राई कर लिया है। तो स्टीम करें उसके बाद इसे फ्राई करें और इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहे इंडियन लोकल फूड और आप बहुत सारे लोकल वे में जान सकेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।